नेक्स्ट है हमारा मिरर। तो मिरर को हिंदी में कहते हैं दर्पण। तो आप कहेंगे कि अब ये मिरर का क्या काम है, तो मिरर देखिए मिरर क्या काम में आता है, हम लोगों के चेहरे देखने के लिए काम में आता है। प्रतिबिंब जिसे बनता है, हम जिसे प्रतिबिंब कहते हैं, तो दर्पण में हम प्रतिबिंब देखते हैं। तो दर्पण होता कैसा है कि कहो कांच है, तो कांच की तरफ, ग्लास की तरफ एक तरफ पॉलिश अगर कर दी जाए तो वो मिरर का काम करने लगता है। जो कांच हमारा होता है उस पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है तो वो मिरर का काम करने लगता है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो वो आपका लेंस का काम करेगा। तो लेंस का मतलब है आपका विदाउट पॉलिश, और अगर पॉलिश की गई है तो वो मिरर है। तो ये आपका हुआ। अब मिरर आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है प्लेन मिरर, दूसरा आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर, और तीसरा है आपका कॉनकेव मिरर। तीन टाइप के मिरर हैं। तो पहला मिरर है जैसे कि आपका प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर समतल दर्पण जिसे बोलते हैं, तो हमारा इसमें प्रतिबिंब जो बनता है, याद रखिएगा, हमेशा सीधा और आभासी बनता है। सीधा और आभासी बनता है वस्तु के साइज के, जो भी हमारा जिसका भी हम प्रतिबिंब देख रहे हैं उसी के साइज के बराबर बनेगा, और डिस्टेंस भी सेम इक्वली होगी। मीन्स सब कुछ इसमें इक्वल ही रहता है। डिस्टेंस भी इक्वल होती है, और जितना बड़ा होता है हमारा वस्तु, जो भी हमारी जिस भी चीज का प्रतिबिंब देख रहे हैं, जो हमारी जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनता है। अब ऐसे मिरर आपने देखे होंगे, तो बाल कटवाने जाते हैं बार बार नाव की दुकान पर, आपने देखने को मिले होंगे। अगर वो नाव की दुकान पर जो आपने मिरर देखे हैं वो अगर थोड़ा सा बेंड करके लगाते हैं, अगर वो प्लेन सीधे लगा देंगे मिरर, बेंड नहीं करेंगे, तो प्रतिबिंब आपके कितने भी बनते चले जाएंगे। जो भी आपके चेहरे हैं वो अनगिनत, असंख्य, अनलिमिटेड बनते रहेंगे। तो ये आपके प्लेन मिरर की पहचान है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है कि एक ऐसा मिरर जिसका आपका परावर्तक पृष्ठ, मतलब रिफ्लेक्टेड जो होता है, वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। मीन्स पॉलिश जो होती है वो आपकी अंदर की तरफ होती है, इस तरीके से बाहर की तरफ हो, तो ऐसे मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और कॉनकेव अगर मिरर की बात की जाए, तो ऐसा मिरर जिसका इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है कि अंदर की तरफ हो, दोनों की साइड दोनों उल्टे हो जाएंगे। एक तो ये बाहर की तरफ था कॉन्वेक्स में, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो। अब इसमें पॉलिश अंदर की साइड थी, इसमें पॉलिश बाहर की साइड हो जाएगी। तो ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहेंगे। याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि इसमें कॉनकेव, केव मीन्स है आपकी गुफा, तो इसकी गुफा भी बनती है इस तरीके से आकृति में, तो इसीलिए इसको कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। तो ये है आपका कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स को हिंदी में कहते हैं उत्तल, और कॉनकेव को कहते हैं यहाँ पर अवतल। तो ये आपके हिंदी में हो गए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और प्लेन को कहते हैं समतल दर्पण। तो ये आपके तीन तरीके के मिरर हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इन मिररों के कॉन्वेक्स और कॉनकेव के को डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेटेड टर्म्स टू मिरर। दर्पण से हमारे कुछ टर्म्स और हैं, उसके बाद में हम आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को डिफाइन करेंगे। तो पहले इसमें रिलेटेड टर्म्स देखते हैं। तो पहला टर्म है पोल, ध्रुव। तो क्या कहते हैं, यहां पर मैंने आपका अवतल दर्पण बनाया है, कॉनकेव मिरर बनाया है, आप कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके लिए टर्म इक्वल होते हैं। तो पोल, पोल क्या होता है कि जो भी जिस जगह पर हमारा सेंटर पॉइंट काम करता है मिरर का, उस पॉइंट को हम पोल कहते हैं। जो भी हमारा केंद्र बिंदु होता है सेंटर आपका मिरर का, उसको हम पोल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो दर्पण की और केंद्र की बीच की दूरी, बीच का जो बिंदु होता है, केंद्र बिंदु जो होता है दर्पण और मुख्य अक्ष पर, जो हमारा केंद्र बिंदु होता है उसे हम वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो आप देखिए कि दर्पण और वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे यहां मैंने 2F से रिप्रेजेंट किया है, और आपके वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 2F से क्यों किया है, अभी मैं आपको आगे के पॉइंट में बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिलाने वाली लाइन होती है,
वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट है आपका फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या है कि ये एक ऐसा बिंदु होता है यहां से ही या तो सारी प्रकाश किरणें जितनी भी हमारी रे होती हैं, चाहे इंसिडेंट हो चाहे रिफ्लेक्टेड हो, वो सारी की सारी फोकस पॉइंट से होकर जरूर जाती हैं। कंपलसरी है हमारी फोकस पॉइंट से होके जाए। नेक्स्ट है आपका, इसे हम कैपिटल फोकस पॉइंट को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो आप देखिए कि पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए कि यहां हमने 2f से सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट किया था और फोकस पॉइंट फोकस लेंथ को हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो इट मींस सेंटर ऑफ वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो आपकी डबल होती है, जो आपकी 2f है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपकी वक्रता त्रिज्या जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल होती है आपकी 2 इंटू फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ के, ये आपका रिलेशन होता है, इसीलिए मैंने यहां पर आपको 2f लिखा है। अब आप एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने मिरर के दूसरी साइड राइट हैंड साइड में भी एक f पॉइंट और एक c पॉइंट लिया है, कैपिटल f लिया है कैपिटल c लिया है। तो कैपिटल f है आपका फोकस पॉइंट और कैपिटल c है आपका रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपके दो दो होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी होते हैं और राइट हैंड साइड में भी होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में तो अभी हमारे मिरर में तो राइट हैंड साइड के कम काम करेंगे, मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड के ही काम करेंगे, बट लेंस में हमारे दोनों साइड के काम करेंगे। तो ये उम्मीद है ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं।